हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। उससे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी है बच्चों। बच्चों, जब आप दुकान पर चॉकलेट, टॉफी आदि चीजें खरीदने जाते हो तो आप किस भाषा के तो आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हो? तो यानी कि आप बोलकर चीजों को बताते हो कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो बोलकर बताए जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? मौखिक रूप। तब आप भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। तो आइए अब इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो ये बोल रहे हैं हम तैयार हैं। बच्चे बोल रहे हैं हमें 11 बजे तक कानपुर पहुंचना है, जल्दी करो। तो ये बोल रहे हैं पापा बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं हम तैयार हैं। फिर कानपुर आने में अभी 180 किलोमीटर है दूसरे चित्र में, तो ये बोल रहे हैं हमें 3 घंटे और लग जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि पापा मम्मी और बच्चे बोल बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। तो सड़क पर एक तरफ पत्थर लगा है जिस पर कि कानपुर की दूरी भी लिखी हुई है। तो अब ये कानपुर की दूरी को हम पढ़कर समझ सकते हैं। तो इस तरह से बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर हम अपने मन की बात को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की मन की बातें समझ सकते हैं। तो भाषा का वह साधन है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने भावों और विचारों को यानी अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं, मौखिक अथवा कथित भाषा यानी कहने वाली भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचार अपने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप यानी जो हम बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रूप है क्योंकि इसका प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा होता है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिका, इसमें भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो बच्चों भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना और बोलना ये भाषा के मौखिक रूप के अंदर आते हैं और पढ़ना और लिखना ये भाषा के लिखित रूप के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा। वो भाषा बच्चों जो पूरे राष्ट्र राष्ट्र यानी कि देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको प्रयोग की जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी यानी इंग्लिश है और जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है और आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी हमारा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम राजभाषा पढ़ते हैं। बच्चों वो भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेज में किया जाता है, सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, रूस की राजभाषा रूसी, स्पेन की स्पेनिश। अब हम पढ़ते हैं बोली। तो बच्चों भाषा का एक और भी मौखिक रूप होता है जिसे बोली कहते हैं। इसका यूज छोटे छोटे एरियो में किया जाता है, जैसे में साहित्य की रचना नहीं होती इस रूप में, जैसे हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ये सब अनेक बोलियां हैं जो भारत के अलग अलग भागों में बोली जाती हैं। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, जो कि हिंदी, पंजाबी, नेपाली, तमिल, असमिया, कन्नड़, मराठी, सिंधी, बोडो, मैथिली, कश्मीरी, उर्दू और ये सब जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये पूरी 22 भाषाएं हैं। इसके बाद हम लिपि पढ़ते हैं। बच्चों भाषा बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ निशान होते हैं और यही निशान जो चिन्ह है लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के जो लिखने का तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन होती है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। तो बच्चों क्या आप कोई भाषा, नई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हो कि क्या बातें हो रही हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि आप किसी नई भाषा को सुनकर या पढ़कर तभी समझ सकते हैं जब आप उस भाषा को सीखेंगे। नहीं तो हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देंगी या कुछ लिखा है बस ये पता चलेगा। किसी भाषा को समझने के लिए
सबसे पहले हमें उसके शब्दों को जानना पड़ता है और उसके वाक्य की रचनाओं को भी जानना पड़ता है। इन सब का ज्ञान हमें कौन कराएगा, किससे होता है? ये, जी हाँ, ये हमें व्याकरण से पता चलता है। तो आइए जानते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। बच्चे को खिलाओ छील कर केला, ये कोई वाक्य नहीं हुआ, इसमें क्या हो रहा है, शब्द अटपटे लग रहे हैं। आशीर्वाद दादाजी ने दिया, ये भी कुछ अटपटा लग रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे बच्चे को केला छील कर खिलाओ या दादाजी ने आशीर्वाद दिया, तो ये क्या है, इनसे उनका वाक्यों का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सही तरीके से लिखे हुए हैं, ये व्याकरण के नियमों के अंदर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। थैंक यू।